आज ये ब्लॉग होने वाला है हमारा दिवाली ब्लॉग। और दिवाली ब्लॉग में हम लोग क्या क्या करते हैं ये आपको देखने को मिलेगा इस ब्लॉग में। तो ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ दिवाली के एक रात पहले से, मतलब कि आज 29 अक्टूबर को 30 अक्टूबर से मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि कल दिवाली है, 31 को है हमारे यहाँ। तो सारा सामान हम लोग ले आए हैं और कैसे क्या लाए हैं चलिए दिखाते हैं चल के आपको। ये देखिए यहाँ पे सारी हम लोग झालर्स ले आए हैं और अब हम लोग सोच रहे हैं कि आज ही रात में हम लोग इसे लगा देते हैं ताकि कल के लिए हम लोगों का काम जो है वो आसान हो जाए। तो चलिए इसको लगाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। सरवा का खाने का टाइम हो गया है, पापा उसके लिए लाए हैं दूध ब्रेड, देखते हैं कितना खाएगा ये। यहाँ पे हम लोगों ने सारा निकाल के रख दिया है, सारी अपनी झालर वगैरह अब लगाना चालू कर चुके हैं हम लोग यहाँ पे, और देखते हैं कहाँ पे कौन सी अच्छी लगेगी फिर दिखाते हैं आपको। तो अभी जा रहे हैं हम लोग आटा लेने, इसके लिए हम लोगों का काम जो है थोड़ी देर के लिए रुक गया है। आटा लेके जब वापस आएंगे उसके बाद फिर हम लोग अपना काम चालू करेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आटा तो हमें मिला नहीं, तो हम लोग वापस लौट आए और फिर से अपना काम चालू करें। परेशान कर रहे हैं पूरा दिन से, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, कुछ भी नहीं। और अब हम अपना काम दोबारा से चालू कर रहे हैं, अभी आंटी जी भी आ गई हैं। तो अभी रात का बज रहा है 9 और हम जा रहे हैं, इसको मैं कट कर दूंगी। ओके तो अभी पिट्टू को दिखो, पिट्टू को। ओके तो अभी हम जा रहे हैं मिठाई लेने, चलिए दिखाई देते हैं पिट्टू को। पिट्टू से हाय, पिट्टू हेलो बोलो। हेलो बेबी पिट्टू, क्योंकि कल हो सकता है हम लोगों को टाइम ना मिले दिन में, इस वजह से हमने सोचा जितना काम जल्दी से जल्दी निपटा लिया जाए उतना बढ़िया है। तो चलिए चलते हैं। तभी हम लोग आ चुके हैं शॉप पे मिठाई लेने, देखते हैं क्या क्या है। भैया ने स्पेशली लाइट ऑन कराई है। यहाँ पे भैया ने बोला अरे मेरी फ़ोटो तो ली नहीं, मेरी फ़ोटो भी ले। और ये वही शॉप है जिसका प्रमोशन हम लोगों ने रक्षाबंधन में किया था, तो आप यहाँ से जाके ज़रूर मिठाई लें। तो अभी सुबह का बज रहा है 9:30 और आंटी जी आ चुकी हैं और हम लोग जा रहे हैं अब उपटन लगवाने। उपटन का सामान तो निकाल के रख दिया, मम्मी तेल निकाल दो। तो अभी दोपहर का बज रहा है 1 और मैंने सारा सामान निकाल कर रख दिया है, बेडशीट वगैरह सब कुछ चेंज करना है, तो वो काम मैं करने जा रही हूँ। ये सब निकाल दिया है, तो पहले बेडशीट बिछा लेते हैं, सब लगा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे और दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है। अभी 2 बज चुका है, मम्मी फ़ोन चला रही हैं और हम लोग जा रहे हैं रंगोली बनाने। तो चलिए बना दें रंगोली। रंगोली तो बन गई हम लोगों की और ये हाथ देखिए ऐसा लग रहा है कि होली खेलते हैं, मतलब कलर्स में इतना ज़्यादा केमिकल रहता है कि क्या ही बताएं। तो अब हम लोग लगाने जा रहे हैं तोरण, रंगोली तो हमारी बन गई है। एक तरफ की गेट की बची है लगाने को और इधर की लग गई है। तो हमारे यहाँ गायों का कहना थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से काफ़ी सोच समझ कर लगाना पड़ता है। लगाते हैं और वो खा जाती हैं, इसीलिए हम लोग नीचे नहीं लगाते ऊपर लगाते ताकि उनको मिले ना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सुबह के लिए गिफ्ट लेने, ले आते हैं फिर मिलते हैं। तो अभी मम्मी अलैया बलैया उतार रही हैं, पहले ही उतार के रख ले रही हैं ताकि उतने टाइम ज़्यादा काम ना रहे। मम्मी का पल्ला सही करते हुए कि वीडियो में आना है, थोड़ी सी रंगोली की झलक तो दिखा ही सकते हैं। ये देखिए तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी, बाकी सभी रेडी हो चुके हैं, अब बस पूजा की तैयारी है। टाइम हो जाए फिर पूजा होने जा रही है, पूजा होने जा रही है। मम्मी भी रेडी होके आ चुकी हैं और पूजा कर रही हैं। और ये है मेरा लुक आज का। अभी शाम का 6:30 बज चुका है और हमारी पूजा जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट होनी चालू हो गई है। देख लो ये मम्मी है, यहाँ पे सारे सामान दे रही है मम्मी को ताकि जल्दी जल्दी से हो जाए। सभी को हैप्पी दिवाली। अभी हम लोग तब तक ही मिठाई लगा देते हैं। तो मिठाई हम लगा रहे थे, मिठाई हमारी लग चुकी है और बाकी भी सामान तैयारी है, बस थोड़ी सी टाइम और हो जाए फिर करते हैं पूजा। अलैया वलैया निकल चुकी है। आंटी
मम्मी देखिए दूर खड़े हैं, वो वहाँ पे उन्होंने जला दी और पापा लोग अब जा रहे हैं जलाने। हमारे लालू जी भी उठ चुके हैं पूजा से पहले, भूख लग गई थी भाई। मिठाई हमारे लिए छोटे अंकल लेके आए थे, फोन खराब था इस वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया ये सब। ये हमारी पूजा हो चुकी है, बस दीपक जलाने की तैयारी चल रही है। हम लोगों ने अपनी सारी दिया है जो है वो तैयार कर ली है, अब बस बारी है इनके जलाने की, तो चलिए जलाते हैं। अब यहाँ पे बन रहे हैं ये प्लास्टिक, जाओ रखो जाके। अभी हम लोग दीपक रखना चालू कर चुके हैं, चलो घर के अंदर रखते हैं हम लोग। तो ये हमारी रंगोली जिसमें कि हम लोगों ने मेहनत करके बनाया था, और दिवाली में हम लोगों ने इतनी मेहनत की ये आपको हम दिखा रहे हैं। ये सारी झालरें हम लोगों ने लगाई थी, झालरें लगाने के बाद फिर हम लोगों ने बनाई थी रंगोली जो कि आपको दिखाई दिया था। सारे कमरों को डेकोरेट किया था, किचन को भी डेकोरेट किया था, और ये हम लोगों ने डेकोरेशन की थी, सोफ़े के कवर वगैरह डाले थे जो मैंने उस टाइम बताया था, और यहाँ पे बाहर भी हम लोगों ने डेकोरेट किया था। और ये देखिए हम लोगों ने पेड़ को डेकोरेट किया था लाइट लगा के, और बाकी भी सब कुछ डेकोरेट किया था जो कि आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने खंभे के बगल में रंगोली बनाई थी, ये सारी रंगोली दीदी ने बनाई थी, और मैंने कौन सी रंगोली बनाई थी वो भी मैं चलिए आपको दिखाती हूँ चल के। यहाँ पे बनाई थी ये मैंने दीपक वाली रंगोली, और ये जो छोटी छोटी रंगोली दिख रही है ये मैंने बनाई थी, और जीने पे रंगोली दीदी ने बनाई थी। इसके बाद मैंने बनाई थी यहाँ पे ये हैप्पी दिवाली की रंगोली। ऑलमोस्ट हो चुकी है, तभी सब बाहर बैठे हैं, ये हमारे घर पे जल रहे हैं, उधर हैं वो लोग। यहाँ पे हमारे मोहल्ले वाले को हड़दंग चालू हो चुका है, मयंक ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो अब हम लोग अपना बारूद लेके जा रहे हैं बाहर जलाने के लिए, देखते हैं कितना क्या जलेगा और देखते हैं चल के। तो अभी यहाँ सारी लेडीजों का मिलन समारोह हो चुका है, लोगों को लग रहा है फोटो खींच रही बेटर डांसर देन नोरा फतेही। हाँ हाथ में लेके नचा दो। तो अब हम लोग खाने जा रहे हैं मिठाई। आंटी जी पहले पूरा देखेंगे फिर लेंगी। उधर भी लोग देख रहे हैं, उधर भी ले आओ जाके। हमारे घर में स्पेशल गेस्ट आए। रजगंटी बुलाओ, आना तो कोल्ड ड्रिंक लेके आना। सभी अपना रिएक्शन फिर से दो। तो गाइस 4 घंटे की दिवाली जिसने कि हम लोग 14 हफ्तों से लगे थे,
और गाइस अभी शुभी आई हुई है रील बनाने के लिए, बट हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किस पे क्या कैसे बनाए। जानती हूँ, आधे मेरे उतर चुके हैं, आधे में बैठा हूँ, देखते हैं क्या करना है। मम्मी लगाने जा रही है आंखों में काजल, क्या आपके यहाँ भी दिवाली की रात को लगाया जाता है? और ऐसा बोला जाता है कि जो नहीं लगाता है तो क्या बनता है? छछूंदर। छछूंदर बनता है। सबसे बड़ी बात कि ये काजल आंखों में लगता भी है, लगने का मतलब ऐसा चुभता टाइप का है। ये देखिए लग तो गया है मेरे काजल, और सुबह तक का हाल बेहाल हो जाएगा। तो गाइज अभी हो चुका है नेक्स्ट डे और बज रहे हैं 12, तो अब मैं ये दिवाली ब्लॉग यहाँ पे खत्म करूंगी, और इसके बाद आएगा भाई दूज का ब्लॉग, तो उसे भी आप देखना ना भूलिए। और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। होप कि आपकी दिवाली बहुत ही अच्छी गई हो, सेफ गई हो, जितना हो सके पॉल्यूशन कम करिए, पटाखे कम लगाइए ताकि ग्लोबल वार्मिंग ना हो सके इसकी वजह से, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।